चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक और नया वर्ड जो कि है ENT, जिसकी फुल फॉर्म होती है एयर नोज एंड थ्रोट, और इसे हिंदी में कान नाक और गला कहते हैं। चलिए अब इसके बारे में और अच्छे से समझ लेते हैं। ओटोलॉरिंजिस्ट बनने के लिए आपको ENT में मास्टर ऑफ सर्जरी या ENT में मेडिसिन करना होगा, लेकिन मास्टर करने के लिए पहले आपको MBBS करना होगा। साइंस में बारहवीं करने वाले छात्र MBBS कर सकते हैं, इसके लिए आप नीट जिपमर में शामिल हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्ड बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा, और ऐसे ही और मीनिंगफुल वर्ड जानने के लिए हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट करें। धन्यवाद।